तो देखिए फाइनली हमारा आ रही है पिठा बन के रेडी हो चुकी है। देखिए और भी है तो चल रही है, फ्राई चल रही है तो एकदम सुंदर बनी है। तो इसका बनाने का प्रोसेस जो है आप लोगों को कैसा लगा और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसे खा के बताते हैं आप लोगों को तो टेस्ट कैसा है और इस कैसे बनी है तो दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए एकदम मस्त बनी है, देखिए कितना सुंदर बढ़िया खस्ता भी बनी है। कौन है तो देखिए कैसा कुरकुरा भी बनी है। एकदम मस्त बनी है। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी सुबह कुछ 6:30 के ऊपर हो चुका है, बस अभी अभी उठे हैं, चलते हैं चाय पीते हैं। देखिए तो चाय बैठा है तो चाय अभी अभी मैं गर्म कर रहा हूँ, तो भाभी बना के रखा था तो अभी मैं गर्म कर रहा हूँ, बस गर्म करके तो पियेंगे थोड़ा क्योंकि बहुत जोर से ठंड लग रही है, बस अभी पियेंगे और पीने के बाद गेलू को पढ़ाएंगे, फिर आज एक मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे। तो ये जो रेसिपी है आरिसा पिठा रेसिपी बनाएंगे तो एकदम मस्त बनती है। तो कैसे बनाते हैं हम लोग और क्या क्या डालते हैं और सारा सामान आप लोगों को दिखाऊंगा, और वीडियो अगर पसंद आए जरूर लाइक करें और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए तो पहले चाय पी लेते हैं फिर आप लोगों को दिखाऊंगा आरिसा पिठा बनाना। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो फिलहाल चाय गर्म हो चुकी है, देखिए ये रहा हमारा चाय, बस पीते हैं। किसी देखु गोली तो गाइस आज का ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये आरिसा पिठा, ये उड़ीसा का फेमस पिठा है। तो आप लोगों को दिखाएंगे तो आरिसा पिठा कैसे बनाना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आप अगर वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे और देखें आरिसा पिठा कैसे बनाते हैं। ये जो वीडियो है आप लोगों को बहुत मजा आएगा देखने में और बनाने में भी बहुत मजा आएगा। तो मम्मी बैठ के गुड़ को तोड़ रही है, ये रहा गुड़ चीनी। तो इसे तोड़ने के बाद उसे मेल्ट किया जाएगा, छोटा छोटा जो दाना दाना हो गया है तो उसे मेल्ट किया जाएगा, फिर बनाएंगे पीठा। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो इससे पहले चूल्हे में बिठा के गर्म करते हैं। देखिए गुड़ को किस तरह मम्मी तो चूल्हे में बना रही है, तो इसे थोड़ा मेल्ट किया जाएगा पहले, तो उसके ऊपर तो चूना डाला जाएगा। तो ये जो रेसिपी है हमारा चीनी एकदम मेल्ट हो चुका है और उसके इसके ऊपर दे गुड़ एकदम मेल्ट हो चुका है तो इसके ऊपर चूना डाला जाएगा, चावल का चूना जो सफ़ेद चावल से बना हुआ चूना है ये। तो कैसे बनाता है मम्मी तो आप लोगों को दिखाएंगे, ये जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये उड़ीसा का फेमस पिठा है। देखिए हमारा गुड़ एकदम मेल्ट हो चुका है, देखिए इसके ऊपर चूना डाला जाएगा।
और ये जो चीनी है वो ये जो गुड़ के साथ हमने पान मधुरी मिला दिया है, आप लोग मिला सकते हो। तो फ्लेवर के लिए हमने पान मधुरी मिलाया है। तो देखिए चूना अभी डल रही है। उड़ी उड़ी धीरे धीरे पका तोड़ी हाँ ये बजे उठी गरम हो तो देखिए इस तरह मिला रहे हैं चूना को गुड़ के साथ। गेलू अभी अभी आंगनबाड़ी से आया है, तो अभी 12 बज रहा है, आंगनबाड़ी छुट्टी हो चुका है, तो अभी अभी पहुंचा है घर। बाबा तू पकी मरी बोली छुट्टिया लोग पका ले। तोर हे रख जले चले सारा चले मानो जा नहीं पड़ तू मैं तू नहीं पड़नु ए उठी पड़ो उठी पड़ो। गेलू बोला कि मैं डालूंगा चूना, तो वो डाल रहा है। नहीं पड़ो एर नहीं पड़ो फुला जरग दे दे ठाकुर ना से कहते तो नही पड़ देखिए किस तरह बन रही है। इसे बनाएंगे आरिसा पिठा। बस इसे अभी निकाला जाएगा ठंडा होने के लिए। देखिए तो कढ़ाई से मम्मी निकल रहा है। तो गाइस अभी बनाना स्टार्ट करेंगे आरिसा पिठा। तो आरिसा पिठा बनाने के लिए मम्मी चूल्ही में तो तेल वगैरह रेडी कर चुका है, तो चलिए देखते हैं तो किस तरह बनता है। और सारा सामान तो बना के रखा है, बस अभी तेल में फ्राई होगा और छनेंगे मम्मी, तो छन के निकालेंगे और देखेंगे भांग के तोड़ के, तो आप लोगों को बताएंगे तो कैसा टेस्ट है और कैसे बनी है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ডাকুন
କିଛି ଖଦେଟାକୁ ଆଗ ପକେଇଥାଉ ତୁ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲା କି ଧରି ପଡ଼ିବ ଗୁଡ ସଫା ଛେଲ ଲେଖେ କରନ୍ତି କି ଆଣି ଏଇଟା କରିଥିବ ଖଡ଼ି ସେଇ ଏଇ ଖଡ଼ି ଧରି କରିବାର ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କରିନି କେତେ ହଁ ଆଉ ଧୂପଲା ଦେଖାଯିବ କଥା ଖୋଲୁନୁ ଗୋଟେ କାମ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ମାନେ ଆମର ତାଙ୍କର ବାବା କରୁ କରୁ ଖାଇବେ तो देखिए फाइनली हमारा आरिसिया पिठा बन के रेडी हो चुकी है। देखिए और भी है तो चल रही है, फ्राई चल रही है तो एकदम सुंदर बनी है। तो इसका बनाने का प्रोसेस जो है आप लोगों को कैसा लगा और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इसे खा के बताते हैं आप लोगों को तो टेस्ट कैसा है और इस कैसे बनी है तो दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए एकदम मस्त बनी है, एकदम बढ़िया बनी है। ये देखिए हाथ बुढ़िया हो तू थालिया न उनु बे अच्छे। तो चलिए आप लोगों को तोड़ के बताते हैं तो कैसे बनी है। तो देखिए एकदम मस्त बनी है, ये देखिए कितना सुंदर बढ़िया खस्ता भी बनी है। तो देखिए कैसा कुरकुरा भी बनी है। କାଇଁ ଉଲେଇଲୁ ନ ବାବା ଝିଅ କେତେ ଗରମ ବେ ପିଠା ଖାଇବା ଆ ଆ तो फाइनली आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करें। चलिए फिर मिलते हैं एक मजेदार रेसिपी लेके मजेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय जगन्नाथ।